चलाई। कुछ तो सरकारी लोगों पर भी मुकदमे होने चाहिए ना, ये सब हम पे ही होंगे, सब अपोजिशन वालों पर ही होंगे। आजम भाई जो ईडी ने बुलाया उसको बताएं, ईडी एबीसीडी जो बुलाएगा जाएंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं है। तो केस कचहरी मुकदमों में उलझे आजम, रामपुर उपचुनाव भले ही हार गए हों लेकिन उनके तेवर अभी भी उतने ही तल्ख हैं। कोर्ट के चक्कर काटते आजम का दर्द एक बार फिर से छलका। आजम खान डूंगरपुर और यतीम खाना मामले में रामपुर के स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। हालांकि ये बात अलग है कि जज की छुट्टी होने के चलते कोर्ट से अगली तारीख मिल गई, लेकिन ईडी पर उठ रहे सवालों पर आजम का जवाब भी मिल गया। कुछ तो सरकारी लोगों पर भी मुकदमे होने चाहिए ना, सब हम पे ही होंगे, सब अपोजिशन वालों पर ही होंगे। आजम भाई जो ईडी ने बुलाया उसको बताएं, ईडी एबीसीडी जो बुलाएगा जाएंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं है। तो 150 मुकदमे हैं तो इतनी बड़ी फाइन। तो आजम कहते हैं कि सारे केस क्या हम पर ही होंगे, क्या सिर्फ विपक्ष के लोगों पर ही सारे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। वहीं ईडी के समन का सामना करने की बात वो अपने ही अंदाज में करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी तंज कस जाते हैं। आपको बता दें कि ईडी ने एक बार फिर आजम खान को नोटिस जारी किया है। ईडी ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ईडी ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को 15 जुलाई से पहले पेश होने को कहा है। दोनों को ईडी ने अलग अलग तारीख पर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी जौहर यूनिवर्सिटी मामले में फंड ट्रांसफर केस में दोनों से पूछताछ करेगी। रामपुर उपचुनाव में भी आजम ने प्रचार के दौरान सरकार की ओर से मिली प्रताड़ना का मुद्दा उठाया, हर मंच से इमोशनल अपील की, तो प्रचार आखिर तक आते आते उनके तेवर सरकार के खिलाफ सख्त होते चले गए। लेकिन अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से उन पर और उनके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।